देख सकते हैं यहाँ से भाई आप लोग कबूतर है यहाँ मिल गई यहाँ लाइट तो अभी हम आ गए हैं होटल सिद्धार्थ जो कि हमारे खजुराहो में ही है। तो बहुत अच्छी होटल है, बजट में होटल मिल गई, होटल सिद्धार्थ। तो अंदर चलते हैं और रूम लेते हैं और यहाँ पर रुकेंगे। भैया ने मुझे ये रूम दिया तो काफ़ी प्यारा रूम है और आप लोग देख लो बजट में भी रहा मेरे। और तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं 6:30 बज रहे हैं तो मैं अभी उठ गया हूँ। बस ब्रश रेस्ट करूँगा जल्दी और नहाऊँगा। और बाजू में ही जस्ट सामने होटल के खजुराहो टेम्पल है तो मैं वहाँ पर घूमने जाऊँगा। तो अभी हमने नहा लिया है तो अभी हम जाएंगे थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं खजुराहो। तो अभी हमने टिकट वगैरह ऑनलाइन यहाँ से स्कैन करके ले ली है जो कि मेरे मोबाइल पे आ चुकी है। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं, अब जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे तालाब वगैरह भी देख सकते हैं आप लोग, तो आप लोग देख सकते हैं अभी काफ़ी अच्छे पेड़ भी लगे हुए हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे भाई कपल्स जा रहे हैं दो। भाई आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ देखिए पानी की कितनी मस्त साउंड आ रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ, कितने सारे कबूतर बैठे हुए हैं यहाँ पे। भाई कबूतर हैं या चिड़िया कह लो जो भी हो, बहुत सारे बैठे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ से वो पानी आ रहा है बह के जो इस साइड जा रहा है तालाब में। तो भाई अभी हम अंदर आ चुके हैं और एक अलग ही बाइक मिल रही है यहाँ पे। तो सुबह सुबह कोई नहीं आया है, बहुत ही कम लोग हैं, भीड़ भाड़ भी नहीं है। पर मैं किसी को लेके नहीं आया था, फोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं कर सकता। बाकी आप लोग सामने देखो, अभी मॉर्निंग का भी बहुत अच्छा है। और आप लोग देख लो जस्ट अभी नीचे हूँ मैं, यहाँ की जो कलाएं हैं भाई, आकृतियाँ हैं भाई, देखने लायक हैं। और भाई यहाँ पे देखो लाइट वगैरह भी लगी हुई, रात में मतलब मस्त लगता होगा। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से, देखिए कितना बड़ा है। तो स्ट्रक्चर देखिए आप इसका कैसे बनाया होगा। यहाँ पे देखिए पानी भी गिर रहा है, टूट चुका है उसे, लेकिन आप लोग देखिए मस्त लग रहा है। यहाँ पे भाई एक कुछ लोहे का वो जंजीर भी लगी हुई है जिससे ऊपर चढ़ते होंगे कुछ लोग। भाई अपन तो चढ़ नहीं सकते। भाई आप लोग देखो स्ट्रक्चर, भाई कितना साल लगा होगा बनने में। तो भाई व्यू, इसमें देखिए भाई कुछ जाली वाली भी लगी हुई है। और भाई यहाँ पे ना बहुत सारे मंदिर हैं, मैं सबको एक्सप्लोर नहीं कर सकता बता के, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं अभी जाता हूँ जल्दी जल्दी देखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोजेक्टर जो लगे हुए हैं, वो लाइट वगैरह बहुत बड़ी बड़ी। तो क्या है मंदिर में बहुत रात में बहुत खूबसूरत लगता होगा जो लाइट की वजह से। तो ये है भाई मॉर्निंग का व्यू, देख लो आप लोग। बाकी यहाँ पर भाई ये जो यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं भाई, वहाँ भी ये भी बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे बाहर से। अब भाई जल्दी से चल रहे हैं यहाँ के, एक यहाँ पे एक महादेव जी का मंदिर है तो वहाँ पे जल्दी दर्शन करते हैं और फिर जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि बागेश्वर धाम भी जाना है। तो आगे चलते हैं भाई, जल्दी से दर्शन कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं यहाँ से और बाहर मंदिर है तो मंदिर के दर्शन करेंगे, इसके बाद जस्ट होटल निकलेंगे। तो अभी आप लोग देख लो और भी काफ़ी सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, देख सकते हैं कितना बड़ा शिवलिंग है। भाई दर्शन
तो अभी हम होटल के सेकंड फ्लोर पे हैं, तो भाई यहाँ से देख लो व्यू, यहाँ से डायरेक्ट भाई मंदिर वगैरह देख सकते हैं, स्ट्रक्चर जो हमारे खजुराहो के हैं। मतलब होटल इतने पास में है कि इसकी टेरेस से ही आपको सामने का व्यू दिखेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं टेरेस पे बैठा हुआ हूँ और सामने मुझे सब कुछ ही दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छी वाइब आती है यहाँ पे। होटल सिद्धार्थ भाई, यहाँ पे भाई कॉफ़ी आ चुकी है, तो अभी हम कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन व्यू बहुत ही शानदार है पीछे का। तो यहाँ से कॉफ़ी पीते पीते भाई यहाँ से देख भी सकते हैं मंदिर वगैरह। अभी भाई नाश्ता करने के लिए आ गए हैं, आप लोग व्यू देख लो भाई होटल का, रेस्टोरेंट जो यहाँ का है, काफ़ी अच्छा व्यू है। और भाई पराठा वराठा लगवा सुबह से खाए के बागेश्वर धाम निकलेंगे। तो अभी नाश्ता वगैरह अभी कर लिया और अब जल्दी से बैग पैक करते हैं और बागेश्वर धाम के लिए निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट होंगे ना तो भीड़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो फिर अभी जल्दी निकलते हैं। ओके, तो अभी होटल से चेकआउट करके जा रहे हैं हम बस स्टैंड, तो बस स्टैंड से सीधा बागेश्वर धाम जाएंगे, तो अभी चलते हैं। ऑटो में बैठ चुके हैं, यहाँ से निकल रहे हैं बागेश्वर धाम के लिए सुबह सुबह। अभी टोटो वाले भाई ने यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ से बस मिलेगी बागेश्वर धाम के लिए, तो अभी वेट करते हैं बस का, फिर चलते हैं बस से बागेश्वर धाम और आप सभी को बालाजी के दर्शन कराते हैं।